वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल डॉट मांपी। तो अभी हम लोग का वीडियो शूट हो रहा था, वो भी खत्म हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा लेक मॉल, क्योंकि हमको बहुत कुछ लेना है, जैसे कि बॉटल्स हो गया, उसके बाद जो हम लोग जो डस्टबिन में मैला फेंकते हैं ना, उसका ब्लैक कलर का जो पन्नी, वो भी खत्म हो गया। बहुत पहले लाए थे, एक महीना हो गया, तो अभी खत्म हो गए, 3 दिन हो रहा है, तो अभी जाना पड़ेगा। इसलिए है तो मेरा तो डन हो गया, लेकिन मेरा सिस्टर का अभी तक डन नहीं हुआ। अभी हम ड्रेस चेंज करने जा रहे हैं। देखो तबीयत खराब और ऊपर से ऐसे झोल पट पहन के ना, बिल्कुल वीडियो से नहीं होता हमसे। मतलब रील शूट करने के लिए तो पहन लेते हैं, रील शूट कर भी लेते हैं, उसके बाद व्लॉगिंग नहीं होता एकदम। क्या हुआ मायरा, आप टॉयलेट किए हो? कर ली टॉयलेट? ठीक है, अभी पैंट पहनना, अभी हम आपका खाना दे रहे हैं, ठीक है? तो अभी 6 बज रहा है और मायरा का मम्मा को दोनों का टिफिन दे देते हैं, फिर 8-9 बजे लोग डिनर करके सोती है। जल्दी से चेंज करते पहले। देखो नहीं, एक्सप्रेशन देखो ना। आप लोग इंस्टाग्राम में जाके देखो। हम 2x कर देते हैं, हमको उतना नॉलेज है, हम एडिटिंग में एकदम फर्स्ट क्लास है। क्या और ये रहा हम, जो कि हम कैमरा किया है तो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये नेकी मासी, और अभी हम इन लोग का टिफिन बना रहे हैं। टिफिन बना रहे मार बने, तो चलो ये लोग चाय एक्स्ट्रा इतना बना रहे, जबकि हम लोग कोई भी चाय नहीं पीते हैं, फिर भी एक दो लोगों के लिए चाय बनाने जाके देखो इतना कितना वेस्ट करते हैं ना लोग। अभी हम बना रहे हैं दूध हॉर्लिक्स मायरा मामा के लिए, और यहाँ पे हम आप लोगों को पहले भी बताए थे वो वाला डेचकी इसलिए रखा रहता ना, जैसे कि बर्तन धो के दीदी रखती है तो ऐसे उल्टा करके रखती ना, तो पूरा पानी गैस के उधर चल जाता है, और गैस हम लोग का इलेक्ट्रिक से चलता है, सिलेंडर से भी इलेक्ट्रिक से, दोनों में, तो उससे पाइप पे जल पानी जाता है, तो इसीलिए हम लोग ठीक है, उसमें पाइप से पानी नीचे पानी जाता है नीचे, तो इसलिए हम गमली खरीद के रखे हैं, ताकि बर्तन धो और तुरंत उसमें डालो, तो क्या होगा ना, एक तो जो पानी गिरेगा वो उसमें पाइप में होके गैस पे नहीं जाएगा। तो चलो अभी हम लोग खाना देखे, ये सारा बर्तन अभी दीदी धो के गई है, उसको अपने जगह पे रखना है, उसके बाद हम लोग निकल सकते हैं बाहर। और गरम गरम रोटी तो हम लोग घर पे खाते ही है, कोई भी बना के रख के जाएंगे तो आके अगर सेक के भी देंगे तो नहीं खाएगा। गरम गरम बनाओ और तुरंत तुरंत दो, ऐसा है इस घर का रूल, इस घर का क्या क्यों, हम बिहार में भी ऐसे ही होता है गरम रोटी। ए बाबा पड़े गल दूध का बाबा ना, कैमरा दिए आगे आगे दूध कमते जा, ছোট ঘর উপরে বাঁধা ছিল, আমরা একটা ঘরে এরকম করে দুলতে পারবো বলতাম, বাসে কত ভিড় না দিদি, বহুত অ্যাক্টিং করতে দেন মেন, আর আমি মেরা কাম হি অ্যাক্টিং, তারপরে গামছা দিয়ে চুলে লাগিয়ে বলতাম আমার কত বড় বড় চুল, খেলতাম जो भी मतलब हम लोगों को लगता ना वो मॉल के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिला, तो हम लोग को मॉल के बाहर से ही लेना पड़ा। अब भी लग गया है जोरो का भूख, और हम लोग आ गए पानी पूरी खाने। मतलब ये भैया का ठेला देख के बहुत लालच लगता है, जो फैक्ट है। आज है नेक्स्ट डे, और अभी यहाँ पे हम बना रहे हैं रोटी सब्जी सुबह सुबह, क्योंकि ना सुबह सब नाश्ता करके ही निकलेगा। 2-3 दिन से हम लोग का काम बहुत ज़्यादा था, हम लोग नाश्ता नहीं करते थे, लेकिन बहुत जल्दी लग जा रहा है। और रोटी सब्जी ना दो दो भी सुबह खा लोगे ना, तो कुछ देर तक पेट भरा रहेगा, काम भी कर पाओगे। तो वहाँ पे पूछू मायरा मामा उनको रेडी कर रही है, और हम यहाँ पे सबके नाश्ता बना रहे हैं। अरे मम्मा रेडी भी हो गई, इसको दिखा दे एक बार, स्कूल का ड्रेस पहन के। और यहाँ पे हम बना रहे गरम गरम फूलगोभी की रोटी। क्या ये क्यों पहन रहे हो, गाड़ी में क्रॉक्स है? हाँ क्रॉक्स गाड़ी में है। अभी तो अभी अभी तो बोले थे हाँ,
जोर से बोलो मम्मी। इसको अचानक करण चाचू का याद आ रहा है, हमको पूछ रहे करण चाचू कहाँ है मम्मी। वैदु के पास गए हैं। चलो अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, दादू से और दादी से फोन करके बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। स्कूल छोड़ के घर आने के बाद हम चली आए हैं मेरा घर वाला ड्रेसअप पे, और अभी हमको करना है खाना बनाना है, दो बेडरूम साफ करना है, क्योंकि देख सकते हो स्कूल जाने से पहले ये कुछ ऐसा होता है, और मायरा स्कूल से आती है फिर इसको साफ सुथरा देखती है, फिर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर से ऐसे ही बिगाड़ देती है। तो चलो जल्दी से, बहुत काम है, खाना चढ़ाएंगे, वहाँ पे खाना बनते रहेगा, और तब तक हम यहाँ पे उस बेडरूम और इस बेडरूम साफ कर देंगे पूरा। और जैसे कि पूछू गई है मम्मम को स्कूल लेके, क्योंकि आज मम्मम का पेमेंट करना है स्कूल में, तो इसलिए पूछू गई है, क्योंकि सोमना जाके ना मैम से बात करने से उसको डर लगता है, तो पूछ गई। तो चलो जाते हैं किचन में, देखते हैं क्या खाना बनाना है आज। फिनिश हो गया खाना उना, सब कुछ बना लिए हैं, और बाबू गए हैं मायरा को लाने। हम बोले हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ना हम अगर ज़्यादा हेडेक ले लेंगे फिर से मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम बोले कि खाना बना रहे हैं धीरे धीरे से, अब जाओ लेके आओ। और पूछू भी, पूछना भी हो गया, पूछू भी आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं। और आज ना अचानक पता नहीं क्यों उनको बिहार का इतना मन आ रहा है, इतना मन कर रहा है, मतलब बहुत दिन हो गया हम बिहार नहीं गए, और पता यहाँ से ना सारा बर्ड्स बैठे रहता है और यहाँ पे पॉटी कर देता है, और फिर हम जो दीदी आती है ना उनसे साफ़ करने बोलते हो, दीदी बोलती है कि जैसे कि क्रो और क्रो का पॉटी, ऐसा कोई भी पॉटी कर देता है ना कोई भी बर्ड्स, उसको खाने में बहुत दिक्कत होती है जब तक सूख जाता है, तो क्या होता है ना गीले में ही पोंछना पड़ता है। तो अभी बैठे अभी कोई दूसरा कोई क्रो किया, और यहाँ पे बैठे बैठे हम हेलो पे बैठे बैठे ना ऊपर वो दीदी रहती है ना, इधर से दिखता है और बात भी करते हैं हम लोग बहुत, लेकिन अभी बहुत ठंडी का टाइम है ना, वो अपना बेबी को बाहर ही नहीं निकालते थे, तो हम लोग देख नहीं पाते थे, बहुत दिन बाद ऐसे देखे, तो बहुत दिन बाद हमको पता नहीं बिहार का सुबह से इतना याद आ रहा है, इतना याद आ रहा है। बहुत जल्दी जाएंगे बिहार, और घर यहाँ पे क्या है ना अकेले रहना और बिजी रहते हैं, वीडियो बनाना फिर बाहर को संभालना बहुत बिजी रहता है, उसके बीच में कुछ नहीं याद आता, जैसे कि अभी कोई नहीं है घर पे, खाना मेरा बन गया, अकेले बैठे हैं ना, हमको इतना याद आ रहा है, हमको लग रहा है कि एक बार बिहार जाके आते हैं, आधा दिन ही रहेंगे वही सही, मतलब बहुत कुछ मिस कर रहे हैं वहाँ पे। सही में हम ना बहुत दुलार टाइप के रहते थे बहुत, हमको मतलब मम्मी अगर कोई गलती करते थे मम्मी कुछ बोलती थी, पापा बोलते थे, मतलब वो चीज़ ना जैसे कि कुछ भी गलती कर दी है मम्मी हमको कुछ बोल रही है, वो चीज़ बहुत मिस कर रहे हैं अभी। अभी ऐसे लगता है ना अभी कुछ गलती करते तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, अभी अपने से वो चीज़ सुधारने का कोशिश करते हैं, जैसे कि किचन में कभी भी ना मेरा आदत है, हम बिहार में भी किचन में काम करते थे, प्याज वगैरह छिलके नीचे फेंक के रखते थे, मेरी सास हमेशा बोलती थी देखो उसको, देखो तुम प्याज छिली नीचे साफ नहीं किया, नीचे गंदा छोड़ दी ना, अब क्या होगा पता है, इससे भगवान डूब जाते हैं ये वो, मम्मी सिखाती थी, तब लोग डांट खा गए। और अभी क्या होता है ना, अभी कोई बोलने का है ही नहीं, कोई मतलब हम अगर कुछ गलत काम कर देना सुधारने का कोई है ही नहीं, और अभी हमको फील होता है नहीं हम गलत कर रहे हैं, वो चीज़ सुधारना चाहिए, फट करके मम्मी का वाद दिया जाता है। और आज पता नहीं बहुत मतलब मिस कर रहे हैं, ऐसे लग रहा कि सही में हम लोग को जब कोई बोलता है, कोई कुछ सिखाता है, अरे यार ऐसे कुछ होता है, लेकिन जब कोई बोलने का नहीं रहता है ना उस टाइम मिस करते हैं कि शायद वो ही अच्छा था, कुछ कम से कम सीख तो पा सकते। अगर ये बात नहीं, अभी सही में बहुत कुछ हम सीखे, अकेले रहने लगे ना तब से कुछ भी देखता है फटाक करके उसको साफ करना, मम्मी को फट करके याद आना जाता है कि मम्मी बोल रही देखो वो चीज़ उधर फेंकी ना, मतलब मेरा भी ना ऐसे ही आदत है, हम भी बहुत साफ सुथरा रह नहीं पाते, पता नहीं कि मतलब जैसे कि अभी हम बाल में ऐसा टॉवल से बाल पोछे, बाबू का तो आदत है ही,
फट करके बेड पे रख देंगे। वो मेरा भी कहीं ना कहीं आदत था पहले, जो मुंह में ऐसे हम भी पोछते तैसे रख देते। हाँ भले हम बाद में उसको साफ कर देते थे, लेकिन तुरंत हम क्या करते थे, ऐसे करके पोछ कर रख देते थे। तो हमें मम्मी टोकती थी, देखो ये कि ना कपड़ा सुखा के भूल जाते थे। ये सबसे मेरा गंदा आदत था। आधा दिन तो कपड़ा मम्मी मेरी उठा देती थी, बोलती थी कब सुधरेगी तुम, कब सुधरेगी तुम। और अभी पता है कोई नहीं, मतलब ना कोई बोलता है हमको, ना कोई टोकता है हमको, तो वो चीज़ हमको खुद से करना पड़ता है। तो अभी लगता है कि मम्मी बोलती थी ठीक, मेरे ही अच्छे के लिए बोलती, कम से कम अभी हम कुछ सीखे तो है। पर यही चीज़ मिस करते हैं कि एक जॉइंट फैमिली मिले, जॉइंट फैमिली में रहना और अकेले रहना बहुत बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो हमको सच बताएं तो मज़ा उसी में आता था, इसमें तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, इतना बिजी क्यों है। बिहार में मेरा कोई लोड ही नहीं था, सच बताऊँ तो लोड ही नहीं था। मम्मी पापा माथा के ऊपर, मम्मी पापा है हाँ लोड, मतलब वहाँ पे ना बहू ने हम बेटी ही सब हमको बोलता है, बेटी है हम वहाँ का। तो यहाँ पे ऐसे कि हमको जो लोड उधर नहीं था ना, वो लोड हमको इधर है। मतलब ये करो वो करो वो करो, ये करते करते मैडम का स्कूल छोड़ने का टाइम हो जाता है, स्कूल छोड़ने का टाइम हो जाता है तो ये टेंशन रहता है घर में जाके खाना कब बनाएंगे, बाबू कब खाएंगे। लेकिन ये चीज़ बिहार में मेरा नहीं था, ये चीज़ हम एक चीज़ रियलाइज़ किए हैं। तो पता नहीं क्यों आज हमको बहुत ज़्यादा ही बिहार का याद आ रहा है, पता नहीं हम आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि नहीं, क्योंकि हम अच्छे से हिंदी में समझा नहीं पाते किसी को। बस मेरा घंटी बज गया, मतलब घर का, अभी हम बोर नहीं होंगे, चलो बुला लेती हूँ। जल्दी आओ, जूता खोल के आओ। जो कि सुबह तक, सुबह से शाम तक क्या करते हैं, सोते हैं। और क्या करते हैं, तुमको प्यार करता है। और क्या करते हैं, और मायरा को बहुत सारा प्यार करता है। और क्या करते हैं, और खुद को प्यार नहीं करते। और क्या, क्योंकि मम्मी प्यार नहीं करती है, हम नहीं करते प्यार, नहीं करती हो। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया, होएगा छे प्रेशर कुकर, हां 2 दिन हो रखे हैं, ठीक है छे। क्या कुछ तो मायरा लोग आ गए, इसको खा लो ना, खिल के सुला भी दिए, अभी हम और पूछू खाएंगे, बाकी सब खा लिए। तो चलो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।